जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की इकनॉमी सुधारने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक सुझाव दिया है। अब वो चाइना से गायों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इमरान खान के मुताबिक इससे पाकिस्तान में दूध की नदियां बहेंगी, पाकिस्तान एक अमीर मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान चाइना को पहले ही अपना आधा देश गिरवी रख चुका है, अब पता नहीं चाइनीज़ गायों से क्या कर लेंगे। इनके मंत्री फवाद चौधरी हो या शेख रशीद हो, ऐसे बयान बीच बीच में देते रहते हैं जिससे दुनिया का मनोरंजन होता रहता है। तो चलिए देखते हैं। ये भैंसे गाय मसल गाय भैंसे मुर्गियां देंगे अंडे, देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, भैंसों को बड़ा कर सके। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, चाइना की गाय वो 6 गुना ज्यादा दूध देती है हमारी गाय से। मुर्गियों और कट्टों से मुल्क की मईशत को तरक्की के जीने चढ़ाने के ख्वाब तो चकनाचूर हो चुके, मगर वजीर आजम ने हार नहीं मानी, अब नया फार्मूला पेश कर दिया। कहते हैं गाय के दूध की पैदावार बढ़ाने से मुल्क यकसर तब्दील हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वजीर आजम ने ये भी कहा कि चीनी गाय पाकिस्तानी गाय से 5 से 6 गुना ज्यादा दूध देती है। गोया वजीर आजम ब्यूरोक्रेसी और बहुत से वुजरा की तरह पाकिस्तानी गाय की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। उनकी जो गाय है वो ये 5 या 6 गुना ज्यादा दूध देती है हमारी गाय से, तो हम सिर्फ अगर अपनी इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से और इनकी टेक्निक से हम डबल ही कर लें अपनी पैदावार तो पाकिस्तान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो लगन और काविश सब बेकार, बस मुल्क तरक्की कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध की ज्यादा पैदावार से। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा।